वेलकम टू ईशानी वीडियोस। नागिन सीजन 5 का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। प्रोमो के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से आकेश वापस आ चुका है और उसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में अब आकेश हमला भी करने वाला है बानी के ऊपर। बानी को परेशान करके रख दिया आकेश ने। अब वो सच में आकेश है या फिर यहाँ पर कोई बहरूपिया, और आखिर में प्रोमो में क्या दिखाया गया और इस हफ्ते क्या देखने को मिलेगा, चलिए सारी बातें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलते रहे और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आप सबको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और प्रोमो के अंदर दिखाया गया है कि अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा बहुत चेंज लाया गया है, जहाँ पर अब वीर की जगह आकेश को दिखाया जाएगा। जैसे कि वीर था वैसे ही आकेश वापस आ चुका है, अब वो पुराने अवतार में। उसके रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले आपको पोस्ट करके बता रखी है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। उसके बाद में बात करते हैं आप सबके फेवरेट यहाँ पर बड़े सीक्वेंस की, जहाँ पर आपको धीरज धूपर और उसके बाद में सुरभि चंदा का रोमांस देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर आकेश और बानी के बीच में रोमांटिक सीक्वेंस भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप सबके सामने एक बहरूपिया वाला सीक्वेंस भी आने वाला है, जहाँ पर बानी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होगी और कलयुग और सतयुग के बीच खेल के बीच में वो फंसने वाली है। और उसके साथ साथ उसके सामने एक यहाँ पर चील के गुफा के अंदर काफी बड़ा राज खुलने वाला है कि आखिर में यहाँ पर बानी एक ऐसी गुफा में पहुंचती है जो कि है चील के लोगों से जुड़ी हुई। और वहां पर वो पहुंचते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वहां से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ ऐसी यहाँ पर घटनाएं होती हैं जो कि उसे बुला रही होती हैं। और बानी को लगता है कि वो मुझे आवाज दे रही है और कुछ बताना चाहती है। वो उस जगह पहुंचकर हैरान हो जाती है और उसके सामने कुछ ऐसे दबे राज सामने आते हैं, जहां पर वो आकेश और बाकी सभी उसके पिछले जन्म में बीती हुई चीजों को यहां पर देख पाती है, जिसके वजह से उसे यहां पर थोड़ा बहुत शक होता है, वो भी अपने ही प्यार के ऊपर यानी जय के ऊपर, जो कि उसको अब तक धोखा देते हुए आया है। अब आखिर में उसने धोखा कैसे दिया और क्या खुलासा होगा, वो आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं धीरज धूपर को आकेश के तौर पर फिर से देखने के लिए, और वहीं इस बार के सबसे बड़े राज के खुलासे को देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।